कर बारिश का मजा ले रहे हैं। जिन पंछियों के घोंसले पक्के हैं, उनके लिए बारिश बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके घोंसले कमजोर और बिना छत वाले हैं, उनके लिए ये बारिश जरा भी अच्छी नहीं है। माँ, ये बारिश कितनी अच्छी होती है, मुझे खिड़की से बारिश देखना बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बारिश अपने जोरों पर थी। देखते ही देखते बारिश का पानी जंगल में जमा होने लगा। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, बारिश का पानी पंछियों के घोंसले तक पहुंचने लगा। अरे बाप रे, अब तो बारिश का पानी मेरे घोंसले तक आ गया, मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। जैसे ही रानू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ गई, उसका घोंसला पानी में बह गया। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, मैंने घर में जो अनाज जमा करके रखा था वो भी अब खत्म हो रहा है। तभी वहाँ पर मुनमुन कबूतर आ जाती है। अरे मुनमुन, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे? अरे लाडो, क्या तुम्हें नहीं पता, अभी थोड़ी ही देर में जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसमें हम सभी पंछियों के घोंसले डूब जाएंगे। चलो यहाँ से, हम सभी को किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। जब तक ये बारिश चलेगी हम सब वहीं पर रहेंगे। मुनमुन बहन, मैं मेरे अंडे को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? लाडो, अगर तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं आई तो तुम इस बड़े तूफान में फंस जाओगी। तुम एक काम करो, ये अंडा साथ लेकर चलो। थोड़ी ही देर में लाडू के भी घोंसले में पानी जमा होने लगता है। अरे बाप रे, अब तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। लाडू अपने अंडे को अपने पंजों में पकड़कर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही दोनों बाहर आ गई, घोंसला बाढ़ के पानी में बह गया। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम समय रहते ही बाहर आ गए। कालू कौवा भी अपने घोंसले से बाहर आ गया था। कालू कौवा लाडो और मुनमुन के पास आ ही रहा था, तभी लाडो के पंजों से अंडा फिसल जाता है और बाढ़ के पानी में गिर जाता है। जैसे ही कालू ने देखा कि अंडा पानी में गिर गया है, कालू उसे पकड़ने के लिए बाढ़ के पानी में कूद जाता है। कालू ने अंडे को पानी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। देखते ही देखते अंडा बहुत दूर चला जाता है। कालू कौवा लाडो के पास आ जाता है। मुझे माफ कर दो लाडो, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा पाया। जब तक बारिश चलती रही, सारे पंछी जंगल के बाहर वाली एक गुफा में रहने लगे। कुछ दिनों बाद बारिश कम हो गई, जंगल में बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक करके पंछी जंगल में वापस आने लगे और अपना अपना घोंसला फिर से बनाकर रहने लगे। अरे मेरे बेटे, क्या हुआ? मम्मा, दूसरे जंगल से हमारे जंगल में एक नया पंछी का बच्चा हमारे साथ खेलने के लिए आता है। हम दोनों दोस्त बन गए थे, लेकिन आज उसने मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे मारा भी। अरे अरे, कौन है वो बदमाश बच्चा जिसने मेरे लाडले बेटे को मारा? चल मेरे साथ, मैं अभी उसे बताती हूँ। नहीं मम्मा, वो मेरे साथ झगड़ा करके अपने जंगल लौट गया। जग्गू, मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, अब इस बार वो बदमाश बच्चा जंगल में वापस आएगा, मैं उसका अच्छे से समाचार लूंगी। दूसरे दिन वो बच्चा फिर से जंगल में वापस आ जाता है। आज वो जग्गू के बजाय टुन्ना के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर गोरी और जग्गू आ जाते हैं। मम्मा, यही है वो जिसने मेरे साथ कल झगड़ा किया था। क्यों रे बदमाश, एक तो तू दूसरे जंगल से आता है और हमारे बच्चों के साथ झगड़ा करता है, क्यों मारा मेरे बेटे को? नहीं आंटी, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, उल्टा उसी ने मेरे साथ कल झगड़ा किया और मुझे मारा। ये देखिए, मेरे सिर पर चोट भी आ गई है। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करती हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे बचपन से मेरी दादी ने संभाला है। अब तुम इस जंगल में खेलने के लिए नहीं आओगे, चलो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से।
तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया आ जाती है। अरे अरे गोरी, तुम क्यों इस बेचारे को डांट रही हो? बेचारा और ये? अरे लाडो बहन, तुम्हें नहीं पता, ये दूसरे जंगल से आकर हमारे जंगल के बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है। क्या तुम ऐसा कर रहे हो? नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं करता। उल्टा इस जंगल के लड़के मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। जग्गू चलो यहाँ से, अब तुम इस बदमाश बच्चे के साथ नहीं खेलोगे। गोरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपना नया घोंसला नहीं बनाना? मैं लकड़ियाँ लाने के लिए बाहर आई हूँ कालू भैया। तभी कालू की नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है। कालू एक बार के लिए उस बच्चे को देखता है और एक बार के लिए लाडो की तरफ देखता है। अरे कालू भैया, क्या हो गया, कहाँ खो गए? लाडो, तुमने ये बच्चा देखा? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। हाँ कालू भैया, अगर उस तूफान में मेरा अंडा ना बेता तो मेरा भी बच्चा आज इसके जैसा होता। दोनों बात कर ही रहे थे तभी पेड़ की एक डाली टूटकर उस बच्चे के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी लाडो उस बच्चे को वहाँ से हटाकर खुद उस डाली के नीचे आ जाती है। लाडो डाली के नीचे फंस जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लाडो रुको, मैं अभी मदद लेकर आता हूँ। कालू वहाँ से मदद लाने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की दादी आ जाती है। अरे टीलू, तुम कहाँ थे इतनी देर से? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो अब घर चलो। दादी वो सब छोड़ो, पहले इन आंटी को इस डाली से बाहर निकालो, वो इसके नीचे फंस गई है। दादी लाड़ो के ऊपर से वो डाली हटा देती है। अरे चिड़िया, तुम इस डाली के नीचे कैसे फंस गई? दादी ये डाली मुझ पे गिरने वाली थी, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में ये डाली इन्होंने अपने ऊपर ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम्हारी वजह से आज मेरे टीलू की जान बच गई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। दादी एक बात बताइए, आपको ये चिड़िया का बच्चा कहाँ पर मिला? अभी कुछ महीने पहले जब तेज बारिश हुई थी उसके साथ साथ तूफान भी आया था। इस जंगल में जो नदी बहती है वो नदी मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से भी गुजरती है। मैं उसी नदी के पास एक कुटिया में रहती हूँ। एक दिन मैं पानी लाने के लिए नदी की तरफ गई थी, तब एक अंडा मुझे उस नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। मैं वो अंडा मेरे साथ घर लेकर आई। ये बच्चा उसी अंडे से बाहर निकला था, तब से मैं उसे पाल रही हूँ। लाडो क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ हाँ कालू भैया। कालू सारी बातें दादी को बता देता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत चिंता थी, मैं इस बच्चे को पूरी जिंदगी अकेले कैसे पालूंगी, क्योंकि ये एक चिड़िया का बच्चा है और मैं तो एक इंसान हूँ। दादी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। टीलू भी अपने माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ था। देखा तुमने लाडो, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन लाडो अब तुम अपना घोंसला कैसे बनाओगी, तुम तो घायल हो गई हो। कोई बात नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चिड़िया इस शीशी में जो पानी है वो कोई मामूली पानी नहीं है, इस पानी को तुम जिस किसी भी चीज पर छिड़कोगी वो अपने आकार से 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, मैं तुम सबसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी। दादी को टीलू को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो दिल पर पत्थर रख के वहाँ से चली गई। लाडो उस पानी को पास वाले एक पेड़ पर लगे एक सेब पर छिड़कती है। थोड़ी ही देर में वो सेब अपने आकार से 100 गुना बड़ा हो जाता है। गूंगा मौसी उस सेब को पूरा अंदर से खा जाती है और लाडो के लिए एक अच्छा सा घर बना देती है। लाडो और टीलू उस सेब के घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।